झाड़ग्राम राजबाड़ी देखने के बाद मैं जा रही हूँ चिल्कीगढ़ राजबाड़ी और कौनक दुर्गा टेम्पल देखने के लिए। झाड़ग्राम राजबाड़ी से ये जगह की डिस्टेंस है लगभग 14 किलोमीटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी चिल्कीगढ़ राजबाड़ी और मेरी अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कौनक दुर्गा टेम्पल। हेलो फ्रेंड्स, मैं विदिशा और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ट्रैवल वीडियोस, फूड वीडियोस एंड शॉपिंग वीडियोस। मैं बिलोंग करती हूँ कोलकाता से और अभी मैं हूँ झाड़ग्राम में। कोलकाता से एक दिन के लिए मैं वीकेंड ट्रिप पे आई हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ये ट्रिप 2 दिन के लिए होता है, लेकिन मैं 1 दिन के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। अभी मॉनसून की सीज़न है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि इस बारिश के मौसम में कहाँ जाए। बारिश के मौसम में घूमने के लिए झाड़ग्राम एक आइडियल प्लेस है। लोग यूजुअली यहाँ पे सर्दी के टाइम ही आते हैं, लेकिन झाड़ग्राम की असली खूबसूरती मॉनसून में ही है। झाड़ग्राम को जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है और मॉनसून आने पे जंगल की एक अलग ही नज़ारा दिखने को मिलती है। पेड़ पौधों में बारिश की पानी गिरने की वजह से उसे एक नई ज़िंदगी मिलती है और उसकी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये जंगल के बीच में डियर कॉरिडोर होके हम लोग जा रहे हैं चिल्कीगढ़ राजबाड़ी को देखने के लिए। तो ये है चिल्कीगढ़ राजबाड़ी। राजबाड़ी लायक कुछ भी यहाँ पे अभी नहीं है। इसके ग्राउंड फ्लोर में अभी एक स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस है। झाड़ग्राम राजबाड़ी में राज परिवार के सदस्य रहते हैं, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा पाए और ये राजबाड़ी के अंदर में भी हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि ये बंद था। इस राजबाड़ी में रेस्टोरेशन वर्क की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसे रेस्टोर करके पब्लिक के लिए ओपन कर देना चाहिए ताकि ट्रैवलर लोग अंदर जा सके और राजबाड़ी की हिडन जेम्स को देख सके।